चार देशों में अफरा तफरी मचाने वाले ईरान के यात्री विमान ने आखिरकार चीन के ग्वांगजू में सुरक्षित लैंडिंग कर ली है। इस विमान ने ईरान, पाकिस्तान, भारत और चीन में हड़कंप मचा दिया था। ईरान की महान एयरलाइंस के इस विमान में बम होने की धमकी मिली थी। ये विमान जब सुबह भारतीय वायु सीमा में घुसा तो पूरे देश में हलचल मच गई। ईरान का ये विमान भारतीय वायु सीमा में करीब 45 मिनट तक उड़ता रहा। जब ये विमान लगभग 9:20 पर भारत के एयर स्पेस में पहुंचा तो विमान के पायलट ने दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी कि विमान में कथित तौर पर बम है और इस विमान की दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत मांगी। पायलट की इस मांग को सुनकर दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल तुरंत अलर्ट में आ गया, लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू हुआ। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान का ये विमान जब भारत के वायु क्षेत्र में पहुंचा तो भारत ने अपने सुखोई फाइटर जेट्स को इस ईरानी विमान के पीछे क्यों लगा दिया। आपको बता दें कि ईरानी विमान के पायलट ने बम धमकी मिलने वाली कॉल के बाद दिल्ली में ही उतरने की जिद की। दिल्ली एटीएस ने विमान को पहले जयपुर उतरने की सलाह दी, लेकिन विमान का पायलट दिल्ली में ही उतरने की जिद करता रहा। इसके बाद दिल्ली एटीसी ने विमान को चंडीगढ़ में उतरने के लिए कहा, लेकिन पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। अब ईरानी विमान के इस पायलट की इसी जिद पर कई सवाल उठ रहे हैं। पायलट की इसी जिद के बाद भारत ने सुखोई लड़ाकू विमानों को एक्टिव किया। जोधपुर से सुखोई लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और तब तक ईरानी विमान का पीछा किया जब तक ये भारतीय वायु सीमा से बाहर नहीं चला गया। नियमों के अनुसार सुखोई लड़ाकू विमान एक सुरक्षित दूरी के साथ ईरान के विमान का पीछा करते रहे। जब ईरानी अधिकारियों ने बम की धमकी वाली कॉल को फर्जी बताया तब ईरान के प्लेन को चीन की सीमा में घुसने की अनुमति दी गई। कई रक्षा विशेषज्ञों ने बताया कि ये हैरान करने वाली बात है कि विमान का पायलट दिल्ली में ही उतरने की जिद क्यों कर रहा था।